60 के दशक को बॉलीवुड का गोल्डन ईरा माना जाता है, लेकिन इसे गोल्डन बनाने का काम जिन लोगों ने किया था उसमें एक नाम साधना शिवदासनी का भी था। इन्हें हम आम तौर पर साधना के नाम से जानते हैं। 50-60 के दशक की मशहूर अदाकारा, इनकी एक्टिंग से ज्यादा इनका हेयर और ड्रेसिंग स्टाइल फेमस था। ये उस दौर की बात है जब सिर्फ हीरो के स्टाइल पॉपुलर हुआ करते थे। फिल्मों में लगातार काम करने की वजह से साधना बीमार रहने लगी थी। उन्हें थायराइड की बीमारी हो गई थी। अपने इस रोग का इलाज करवाने साधना अमेरिका गई, लेकिन लोगों को लगने लगा कि साधना अब फिल्मों से रिटायर हो गई है। लेकिन साधना वापस लौटी और फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। बीमारी से ठीक होने के बाद उनकी पहली फिल्म थी इंतकाम, जो बड़ी हिट रही। उसके बाद उन्होंने एक फूल दो माली जैसी हिट फिल्म की। लेकिन अपनी अगली फिल्म को लेकर वो असमंजस में थी। इस फिल्म में वो काम नहीं करना चाहती थी। इस बारे में उन्होंने अपने दोस्त और बॉलीवुड के मशहूर फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी से बात की। मुखर्जी ने साधना से पूछा कि फिल्म में हीरो कौन है। साधना ने राजेंद्र कुमार का नाम बताया, जिसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें सलाह दी कि ये फिल्म उन्हें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि राजेंद्र कुमार कभी खराब स्क्रिप्ट नहीं चुनते। इतने सब के बाद साधना ने फिल्म के लिए हाँ की और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म थी मेरे महबूब।